साहब, ऐतिहासिक फैसला जो परामर्श में आया था कुटुंब न्यायालय, क्या था मामला और कैसे सहमति बनी? मामला ये था कि लड़का एक दो नोएडा में काम करता था, उसकी शादी ग्वालियर में हुई थी और 2018 में शादी हुई थी। शादी के बाद वो पत्नी को अपने नोएडा ले गया, 2 महीने का गर्भ होते ही वो अपनी मायके ग्वालियर छोड़ गया कि तो बच्चा यहाँ पैदा कर लेना, मैं देख रेख पा रहा नहीं हूँ। तो 7 महीने का पीरियड वो बच्चे का रहा और 5-6 महीने और रह गए। पत्नी से फ़ोन पर बात करता था केवल वो। जब पत्नी ने कहा मुझे ले जा, बच्चा बड़ा भी हो गया है 5-6 महीने का, तो वो टाल मटोल करने लगा। काफ़ी प्रयास किए उसने बच्ची ने, तो उसके घर वाले उसको देखने गए वहाँ पर, देखा तो वो एक अन्य लड़की के साथ में निवास कर रहा था। तो वहाँ पर विवाद हुआ काफ़ी उनको लोगों का, और उसके बाद में बताया उन्होंने, था थाने में हमने रिपोर्ट वोपड़ी की थी वहाँ पर नोएडा में। तो उसके बाद लड़की ग्वालियर आ गई। ग्वालियर में वो फैमिली कोर्ट में आई थी कि भाई मुझे अच्छा वकील चाहिए और मुझे ऐसी स्थिति, मेरी परेशानी है, मेरे को 29 का केस लगाना है, 490 का केस लगाना है, मेरे पति दूसरी शादी कर ली और केस लगाना है। तो मेरे पास मेरे शख्स का संपर्क हुआ तो मैंने बताया बेटा कि 490 का केस लगा देंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है, मेहंडी का केस लगा देंगे, बस में 2-4-5 साल लग जाएंगे तुम्हें मेहंडी लेते लेते, तुम्हारा जीवन अदर हो जाएगा। वो पत्नी के संग में अपने रह रहा है कि ऐसा प्रयास करो कि वो तुम भी जाके माँ साथ में रहो और उसके संग रह के तुम उस दूसरी वाली पत्नी को भगाओ, ऐसा प्रयास करो तो आपका जीवन भी सफल हो जाएगा, बच्चे को प्यार मिल जाएगा। लड़की पढ़ी लिखी थी, उसकी बात समझ में आई, तो उसने कैसे संभव कैसे, मैंने पति को बुलाओ, पत्नी उसको बुलाओ कि मैं थाने रिपोर्ट कर रही हूँ। उसने अपने पति को फ़ोन किया, भाई ग्वालियर आ जाओ, मैं रिपोर्ट कर रही हूँ। तो डर के हमारे ग्वालियर आ गया और उसकी वो दूसरी वाली पत्नी ग्वालियर आ गई थी। तो मेरे पास में उसकी बात हुई, मैंने भाई तुमने इतना बड़ा कांड कर दिया, तुम लड़की को छोड़ के बैठे हो, सर मेरी इससे बनती नहीं है। भाई बनती क्यों नहीं है, तो तब इससे तलाक लो, तब शादी करो। कि नहीं सर, मैं तलाक मेरे मिलेगा नहीं। तो मैंने कहा ऐसा, उसका बताया कि आप ऐसा कोई रास्ता निकालो कि इसको भी इसका भी ध्यान रखो। तो उन तीनों ने बैठ के ये रास्ता निकाला कि भाई मैं इसको लेके जाऊंगा साथ में। तो लड़की को ले जाने को तैयार हो गया। लड़की बोली कि भैया तुम ले तो जा रहे हो, कल तुम मुझे वहाँ से भगा दोगे तो क्या प्रूफ रहेगा? तो उसने कहा भगाऊंगा नहीं, मैं आपको एक 80 लाख रुपए का मेरा फ्लैट है वो मैं आपके नाम कर देता हूँ, और मेरी सैलरी है तो 1.5 लाख रुपये, मैं 75,000 रुपये आपके नाम कर देता हूँ। इस पर लड़की तैयार हो गई। लड़की ने, मैंने कहा ठीक है बेटा तैयार हो जाओ। उसके बाद में अब हुआ कि साहब रहोगे कहाँ पर? दूसरी वाली कहने लगी मैंने भी शादी करी इनसे। तो भैया मैंने जी आप हमें तुम आप तय करो कौन कहाँ रहेगा। तो दोनों लड़कियों ने, पति ने मिलकर आपस में तय किया कि 3 दिन तू मेरे पास रहेगा, 3 दिन उसके पास रहेगा, 1 दिन तू फ्री रहेगा। तो ये आपस में उनका तीनों का सहमति है और लड़की को लेके चला गया वो। ये मामला पूरा कोर्ट ने भी इसमें मोहर लगाई, कोर्ट की तरफ से मेरे कोर्ट में मामला गया ही नहीं ना, मामला मेरे कोर्ट में मामला गया ही नहीं है, कोर्ट में मामला, कोर्ट के भारी मामला निपट गया। लेकिन क्या आगे चल के ऐसा रह पाएगा तीन दोनों के बीच? नहीं, क्या गारंटी है? जी उनकी आपसी सहमति है, अगर कोई विवाद होता भी है तो जो दूसरी पत्नी वो तो अनलीगल है, उस अनलीगल पत्नी है, सारे राइट्स पहली वाली पत्नी के सुरक्षित है, उसने और वो उसके खिलाफ काम भी कर सकती है। पर चूंकि लड़की को वहाँ पर उसके साथ जाना था, इसमें समझौता किया, अब वहाँ पर रह के वो क्या काम भी करती है, वो उनका आपस में मैटर है। क्या दोनों को समान अधिकार देने की बात कही लड़के ने? हाँ, लड़के ने दोनों को समान अधिकार, एक फ्लैट उस पहली वाली को दिया है, एक फ्लैट दूसरी वाली को दिया है, और 75,000 दोनों को सैलरी आधी बांट दी उसने कि मैं दोनों साथ रहूँगा, मैं ऐसा उसने आपस में समझौता किया है। नहीं, फैसला तो अनोखा है पर ये अनलीगल फैसला है, समाज की में ये फैसले को मान्यता नहीं है। पर चूंकि कोई भी अपने आपसी सहमति से कुछ भी कर सकता है, उसमें न्यायालय क्या देगा, मियाँ बीवी राजी क्या करेगा काजी, आपस में कुछ भी सहमति कब बना लो, कानूनी उसमें नहीं है, कानूनी रूप से वो मान्य नहीं है। दोनों के क्या बच्चे हैं अलग अलग? पहली वाली की लड़का है, दूसरी वाली की लड़की है। अब ये लोग दोनों वर्तमान में कहाँ निवास कर रहे हैं? जी मुझे बताया कि वो नोएडा गए हैं, नोएडा में लड़के का जॉब है, वही नोएडा ले गया है वो। क्या लगता है आपको, इस तरह की अगर संबंध बनते हैं तो आगे चल पाएंगे? नहीं देखो, ये तो आपका तालमेल है, अगर वो दोनों को एग्जीमेंट कर रखा तो बहुत से रिश्ते ऐसे चल रहे हैं, अब ये रिश्ता ओपन हो गया। बाकी समाज में तो दो नंबर के रिश्ते बहुत चल रहे हैं, रिपोर्टें भी होती हैं, पर वो सेकंड बीबी को कानूनी अधिकार नहीं मिलेगा, बस ना ही प्रॉपर्टी में उसको राइट मिलेगा पुश्तैनी में।